हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो हमारा जो सिंपल सा फंडा रहता है कि फ्री फायर को हम जो है लेटेस्ट एमुलेटर पे ट्राई करते रहते हैं, और गाइस उसके बग्स वगैरह, फिर उसके अंदर कैसे परफॉर्मेंस रहती है इस वीडियो के अंदर और वीडियो के अंदर भी मैं बताता रहता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको नोक्स एमुलेटर का लेटेस्ट वर्जन का कम्प्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा। एंड गाइस, इसकी की मैपिंग हो सकती है इसी के अंदर एडजस्ट हो या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड हो। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नोक्स को सर्च कर लेना आपको, NOX। तो NOX एमुलेटर अभी यहाँ पे दिखा नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा वैसे। तो एक बार इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। सो गाइज, इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो है इसका साइज़ देख सकते हो यहाँ पे, और गाइज मैक ओएस का साइज़ देख सकते हो यहाँ पे, मतलब दोनों के अंदर इस सॉफ्टवेयर का साइज़ ये रहेगा एमुलेटर का। एंड गाइज, इसके अलावा गाइज अगर आपको मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट देखनी है तो ये देख सकते हो, 10, 8 और 7 विस्ता और XP में भी ये चल जाएगा अच्छा खासा। एंड गाइज, ड्यूल कोर प्रोसेसर होना चाहिए और OpenGL 2.0 या उससे अबोव भी सपोर्ट करता है अगर आपका मतलब वीडियो या फिर ग्राफिक कार्ड हो। रैम आपकी 2 GB तक ही चलेगी, स्टोरेज आपकी एटलीस्ट 2 GB रिक्वायरमेंट रहेगी। तो गाइज यहाँ पे आपको अगर मान लो ये अगर आपको ऑप्शन दिखने को मिलता है तो यहाँ से आप जो है पढ़ के आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड आउटडेटेड है या फिर एंटीवायरस रिलेटेड कोई भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप पढ़ के उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे नीचे भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे अगर आप सिंपल ही सर्च करो तो उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे ये जो है नॉक्स को डाउनलोड करने के 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डाउनलोड EXE फाइल, यहाँ पे गाइज इसका सेटअप जो है 400 MB के आसपास रहता है ऑफलाइन मेथड। अगर गाइज ये ऑनलाइन मेथड है तो मैं ऑफलाइन का ही आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हो, यहाँ पे 400 से अबव साइज़ है, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ जैसे मैंने बताया, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं फटैक से, ये लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो बस ऑनलाइन ऑफलाइन में बस यही फीचर मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा कि आपका कोई भी एरर फेस नहीं होगा इंस्टॉलेशन के दौरान। तो यहाँ पे लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट है, डेस्कटॉप पे आइकन वगैरह बन जाएगा, तो हम इसको फटैक से इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। अगर गाइज आपको जो है इसकी चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हो लोकेशन। सो इसको स्टार्ट करते हैं फटैक से। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऑप्शन अगर आप फर्स्ट टाइम चलाओगे तो देखने को मिलेंगे आपको। एंड यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो, अभी मैं साइन इन करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो गाइज ये बिल्कुल आपका मेमो की ही तरह हो गया है, बिल्कुल वैसा ही सेम दिखता है। तो ओवरऑल वैसा ही दिख रहा है मेरे को, तो आपको कुछ डिफरेंट दिखे तो आप मेरे को बता देना। ये साइड में गाइज आपके यहाँ पे ड्रैग APK वगैरह का ऑप्शन दिया गया है शायद। सो गाइज यहाँ पे आपने जो कंप्लीट सेटअप जो है ऑफलाइन तो डाउनलोड कर लिया है, बट गाइज आप जो ऑफलाइन OBB फाइल वगैरह को पेस्ट करोगे तो गाइज कुछ एरर आ सकता है। तो इसलिए गाइज आप ऐप सेंटर के अंदर जाना है आपको और यहाँ पे अपने फ्री फायर को सर्च कर लेना है। तो सर्च कर सकते हो यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे फ्री फायर। तो गाइज यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन पूछ रहा है तो हम साइन इन कर लेते हैं एक बार। तो गाइज यहाँ पे कंप्लीट आपका सेटअप डाउनलोड तभी होगा जब आपकी सक्सेसफुली जो है आपकी गूगल आईडी साइन इन होगी। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं इसको, काफ़ी लंबी फाइल है। सो इसको टर्न ऑन जरूर कर लेना, आपका जो है काफ़ी हेल्प रहेगा इसमें। सो गाइज इसको फटैक से स्किप करते और आते हैं कंप्लीट इंस्टॉल करने के बाद। सो गाइज फाइनली ये इंस्टॉल हो गया है। तो इसके अंदर जो है आपका 400 के बाद थोड़ा थोड़ा स्लोली जो है इंस्टॉल होता है। तो गाइज फोर फ्री फायर जो प्लेयर जो फेसबुक से कनेक्ट करके खेलोगे वो गाइज इसको जो है अपडेट कर लेना मस्ट भी। तो इसको अगर अपडेट नहीं करोगे तो गाइज क्या होगा कि आपकी फ्री फायर की ID लॉगिन होगी, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो जो कि हमने XE प्लेयर के ऊपर बनाई थी। XE प्लेयर और गाइज नॉक्स प्लेयर ऑलमोस्ट सेम ही है जहाँ तक है, बट गाइज इसकी UI जो है थोड़ी सी अलग है और न्यू है। तो देखते हैं हम फ्री फायर को ओपन करते हैं अब। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर गाइज आप XAP की फाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे तो डेफिनेटली ये वर्क नहीं करने वाला है। आप जो है प्ले स्टोर की हेल्प से ही आपको जो है इसको अपडेट या डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो इसका साउंड थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये ओपन हो गया है जैसा मैंने बोला था।
एंड गाइज अभी यहाँ पे आपकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ अभी के लिए मैं। तो सेटिंग्स में आप जनरल पे देखोगे तो कुछ खास नहीं दिखेगा आपको। परफॉर्मेंस पे गाइज आपकी जो है अभी 2 ही कोर सिलेक्ट किए गए हैं, तो बेसिक के अंदर आपको डायरेक्ट मोड पे चलेगा, डायरेक्ट टैक्स पे। एंड गाइज अभी गाइज ओपन जीएल प्लस पे चलेगा। अगर आपका इसके अंदर लैग होता है तो आप जो है डायरेक्ट टैक्स पे शिफ्ट हो जाना, और गाइज रेजोल्यूशन आपका अपने पीसी की स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर लेना। देन गाइज आपको इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे माउस का कर्सर ये सिलेक्ट कर रखा मैंने। इसके अलावा गाइज यहाँ पे कुछ और मेरे को अच्छा लगता नहीं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्टर देखने को मिलता है, अनेबल हाई एफपीएस, तो ये भी एक नया फीचर है। ये गाइज यहाँ पे मॉडल आप जो है कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, कि जैसे कि आसूस वगैरह का, जो मैं प्रीवियस एलडी प्लेयर की वीडियोस में भी बताता हूँ, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफपीएस मिल पाएंगे। ओके गाइज, और उसके बाद इसको जो सेव सेटिंग्स कर देना है। अभी गाइज यहाँ पे आपको दिख रही होगी की मैपिंग का यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ये जो है ओपेसिटी सेटिंग्स जो भी है इसको अगर आप 0 कर दोगे तो आपकी जो स्क्रीन पे एफ एस ये होगा वो सभी दिखने को मिल जाएगा, गायब हो जाएगा। और गाइज ये है आपकी सेंसिटिविटी जो कि आपको 50-60 के आसपास सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे ये जो है जो भी बटन आप जो की मैपिंग को असाइन करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी के लिए गाइज यही करता हूँ और इसको सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे गायब हो गए स्क्रीन पे जो भी बटन थे। देन गाइज जैसा मैंने बताया कि आप फेसबुक से करोगे तो फेसबुक को भी अपडेट कर लेना। ओके गाइज, तो यहाँ पे साइन इन करते हैं। तो गाइज मैं जीमेल पे चला रहा हूँ, तो जीमेल पे साइन इन की अलग से मतलब फेसबुक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको फटाक से कट करते हैं, हमारा नया टॉपअप भी आ चुका है, और इसको अभी हम पॉज करते हैं, कंफर्म इसको भी पॉज करते हैं, तो इसको कट कर देते हैं। अभी गाइज यहाँ पे स्पीड डायल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये गाइज बेसिकली आपका जिससे भी कनेक्ट है उसकी वजह से जो है आ जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको गेम को कट कर देना है बैकग्राउंड से। कट करने के बाद इसको जो है कंप्लीट आपको ओके पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपको गेम चला लेना है। एंड गाइज मैं तो कहूँगा कि आप जो है इसको पीसी को रिस्टार्ट करके ही चला ले, तो एक बार फटाक से रिस्टार्ट करके आता हूँ मैं अपने पीसी को। सो गाइज जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अगर नेटवर्क एरर टाइप का अगर ऑप्शन आ जाता तो आपको रिस्टार्ट करके आ जाना अपने पीसी को। बेसिकली गाइज ये लैन वगैरह का ही ऑप्शन से आता है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे चले जाना, ग्राफिक्स जो भी सेट करना चाहते। तो अभी गाइज ये सैमसंग के लिए है, अगर आप वहाँ पे आसूस का डालोगे, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप जो है फ़ोन का मॉडल नंबर चेंज कर दोगे, कस्टम में आसूस फिल कर दोगे, तो आपके जो है एफपीएस भी इंक्रीज हो जाएंगे 120 के आसपास। एंड गाइज ऑल्सो आपके जो है मतलब कि हाई एफपीएस भी अनेबल हो जाएगा। बट गाइज फॉर लो एंड पीसी जो है आप जो है इन्हीं से काम चला सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। और इसको अगर आप हाई करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपके एफपीएस ड्रॉप होते रहेंगे, जैसे जहाँ पे कुछ ज़्यादा फाइट होगी वहाँ पे आपके एफपीएस ड्रॉप होंगे, उसको ऑफ रखोगे तो आपका अच्छा चलेगा। तो ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली मैं दिखाता हूँ कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसकी की मैपिंग हम नेक्स्ट वीडियो में ही जो है डालेंगे। की मैपिंग नहीं गाइस, सेंसिटिविटी। की मैपिंग मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट करके बता देना। और गाइस इसकी और एक्सी प्लेयर की लगभग सिमिलर ही है, तो देख सकते हो यहाँ पे की मैपिंग सही वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हम कुछ भी गन ले सकते हैं, वैसे तो ये नई गन आई है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये गायब किससे होगा, ये राइट क्लिक से होगा या फिर कंट्रोल से होगा। सो गाइज अभी आपको एक प्रॉब्लम फेस डेफिनेटली दिखेगी कि आप जो है एम प्रेस करोगे ये आपका गायब तो हो जाएगा कर्सर। तो एम प्रेस करके रखोगे तो आप जो कुछ भी चेंज कर सकते हो, कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हो, कुछ भी काम करवा सकते हो। बट गाइज जैसे ही आप एम को छोड़ोगे जो कि मैप देखने का ऑप्शन है, तो गाइज ये कर्सर आपका अंदर चला जाएगा, और गाइज आप नॉर्मल तरीके से खेल भी सकते हो। तो गाइज बस दिक्कत यही आएगी कि आप जो है एम प्रेस रखना पड़ेगा आपको। तो अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी हो रही है, वैसे ट्राई तो करते हैं। ओ भाई साहब, ओ वाह। तो अभी यहाँ पे रिवाइव वगैरह का ऑप्शन कैसे आएगा ये है, तो यहाँ पे आपको एम प्रेस रखना पड़ेगा और रिवाइव वगैरह पे भी कुछ असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम असाइन कर देते हैं यहाँ पे 6 और सेव कर देते हैं, जो कि बहुत ही मेरे को अभी गलत लग रहा है। बाकी मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंक्लूड कर दूंगा अगर इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो मेरे को।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी की मैपिंग एंड गाइज ये दिख जाएगी आपको। तो अभी सेंसिटिविटी हाई ही मिलेगी आपको, बट आपका काम चल जाएगा स्टार्टिंग में खेलने के लिए। तो आलोक वगैरह का मैं सेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो ज़्यादा ही ऊपर हो गया। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे 6 टाइप कर दिया था, तो मेरा वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, आ गया। पिंग इशू की वजह से शायद नहीं आया था, तो पिंग अभी ठीक है, स्टेबल है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी सेंसिटिविटी का सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा, तो उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, 500 लाइक। तो देखते हैं कि कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे। तो अभी देखिए कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो वो तो वैसे भी मैंने की थी, और अगर आप कम कर दोगे तो क्या होगा। सो गाइस बस इतना ही कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो सेंसिटिविटी एंड पिंग इशू जो भी रहेगा मैं बता दूंगा आपको कंप्लीट पार्ट टू के अंदर। बट इसके अंदर जो है आप लाइक करना मत भूलना, एंड ऑल्सो आप जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें फॉर मोटिवेशन। और इसकी अगर आपको 90 FPS की समझ में नहीं आई होगी, 90 या 120 FPS, तो वो भी मेरे को बता देना, वो भी मैं कर दूंगा स्पेशली आपके लिए। तो आप कमेंट करना, मैं देखता हूँ कि क्या रहेगा कमेंट के अंदर, जो जो क्वेरी रहेगी आपकी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ओके गाइस, तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक करना, नए हो तो भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओनली चैनल की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय गाइस।